हिमाचल के बिलासपुर जिला की सिकरोहा पंचायत में दुखद हादसा पेश आया है। यहां पर एक रिहायशी मकान की दीवार और छत गिर गई। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान सत्या देवी निवासी गांव गलौड़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिकरोहा पंचायत के गलौड़ गांव में बलदेव कुमार के दो मंजिला सलेट पोष मकान की दीवार व छत गिर गई। हादसे में बलदेव कुमार की पत्नी सत्या देवी मलबे के नीचे दब गई। बताया जा रहा है कि सत्या देवी के घर पर मेहमान आए हुए थे, इसी कारण सभी लोग घर के बाहर आंगन में बैठे हुए थे। सत्या देवी कुछ सामान लाने के लिए घर के अंदर गई और इसी बीच मकान की छत और दीवार गिर गई। इस हादसे में सत्या देवी मलबे में दब गई। करीब डेढ़ घंटे तक महिला मलबे के नीचे दबी रही। परिजनों ने महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से मारकंड अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल छत छिन जाने की वजह से सत्या देवी का पति और बेटा अन्य परिवार वालों के साथ रह रहे हैं। उपायुक्त ने पीड़ित परिवार को 40,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज के साथ।